जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 4 जनवरी की 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बारबाडोस की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे दोस्तों देखते हैं बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों बिहार के जो नए मुख्य सचिव बने हैं ये बने हैं आमिर सुभानी। कौन बने हैं? आमिर सुभानी। आगे दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों हाल ही में जो 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब यह भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आगे दोस्तों देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अपने नाम किया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह शिमला है और हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रा है जो कि रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा है। आगे दोस्तों देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में वीरेंद्र सिंह पठानिया को चुना गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूके की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों भारतीय कंपनी ने यूके की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण कर लिया। तो भारतीय कंपनी कौन सी है? तो है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। कौन है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। आगे दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय का जो आधारशिला रखा है वो मेरठ में रखा है। और दोस्तों आपको पता है कि स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अनुपम राय को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? अनुपम राय को नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों हाल ही में जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 हुआ है उसमें निकिता सुकातो ने खिताब जीत लिया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? दोस्तों हाल ही में जो है यह चीन देश है, इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। चीन की राजधानी दोस्तों क्या होती है? बीजिंग होती है, जो कि दोस्तों भारत के साथ सीमा साझा करता है चीन और अक्सर विवादों में घिरा रहता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स को चेक कर लिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।